जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अगर कोई भी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है और अगर वो अपना बुक मेंटेन करता है टैली में, तो जरूरी होता है टैली में सबसे पहले जीएसटी इनेबल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट कंपनी मेन्यू में जाकर के एंड देन कंपनी का नेम मैं ले लेता हूँ एबीसी एंड कंपनी। ओके, देन आफ्टर उसका जो एड्रेस है वो डाल देता हूँ एबीसी चिंब गिरिडी। ओके, एंड देन ये कंट्री हमारा जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर स्टेट, ये सपोज झारखंड है, मैंने झारखंड सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर पिन कोड। ओके, एंड देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम एंड बुक बिगनिंग फ्रॉम मैंने डाल दिया। देन आफ्टर भी पासवर्ड वगैरह डालना नहीं है हमें, तो इससे हम एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी बन के रेडी हो गया। ओके, अब है टैली में क्या होता है कि कंपनी बनाने के बाद इसमें जीएसटी ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जीएसटी इनेबल करना है, यानी कि जीएसटी हमारा एक टाइप का फीचर है, यहाँ पर टैली के लिए वो एक फीचर है। तो जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है और जब आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, तो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे आप मेन्यू में देखेंगे फीचर्स का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट इसके लिए F11 होता है। आप F11 यानी कि फीचर्स पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर यहां पर देखिए, अब जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं टैली के पास वो आ जाता है। तो ये जीएसटी हमारा एक टैक्स है एक्चुअली, तो इसके लिए हमें स्टेचरी एंड देन टैक्सेशन में जाना होता है। स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाने के बाद यहां पर देखिए टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब कुछ आपको यहां पर अवेलेबल मिलेगा, जैसे जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS, TCS। तो आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे कि जीएसटी कैसे इनेबल करना है। तो जीएसटी के लिए सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन होता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करना होता है। देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे एंड देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ओके, यस करने के बाद यहां पर क्या करना होगा आपको, जो आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम पे स्टेट सेलेक्ट करा था वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये वो स्टेट होता है जहां पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। ओके, देन आफ्टर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, कंपोजिशन है, जो भी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, अब है एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी, यानी कि आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो किसी टेरिटरी में तो नहीं है, यानी कि जो हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड देन पांडिचेरी। अगर आपका कंपनी इन स्टेट में रजिस्टर्ड है, इस केस में आपको यहाँ पर एक्सेसी ऑफ अदर टेरिटरी को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो हमारी जैसे कंपनी झारखंड में रजिस्टर्ड है तो हमें इसको यस करने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पर आपको जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आपको डालना है एंड देन आगे बढ़ना है। ओके, एंड देन फिर यहाँ पर होता है एप्लीकेबल फ्रॉम। अब देखिए, जो हमने कंपनी बनाया था उसका जो बुक स्टार्टिंग फॉर्म या बुक बिगनिंग फॉर्म जो हमने डाला था उसके बिहाफ पर यहाँ पर ये देखिए जीएसटी का ऑटोमेटिकली डेट आ गया। लेकिन ये एक क्वेश्चन होता है एक्चुअली, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या आप किसी को कहते हैं कि मुझे जीएसटी आता है, देन आफ्टर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ था। तो मैं यहाँ पर डेट ही डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई एंड देन 2017 में हुआ था। ओके, 1 जुलाई 2017। एंड देन यहां पर देखिए आपकी पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 मंथली है या क्वार्टरली है, जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। सपोज मेरा मंथली है, मंथली सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर क्या हम ईवे बिल बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो इसको यस करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, आप जब से हमारा ईवे बिल एप्लीकेबल हुआ है वो डाल सकते हैं, या फिर 1 अप्रैल 2019 भी रहने देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं, तो 50,000 के टैक्सेबल अगर वैल्यू होती है उसके ऊपर अगर हो तो हम ईवे बिल फाइल करते हैं, तो वो हमने यहाँ पर अमाउंट भी डाल दिया। देन आफ्टर एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्टेड, यस, चाहे वो इंटरेस्टेड रहे या इंटरेस्टेड रहे उसके लिए हमें एप्लीकेबल कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, अब है इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। ये एक्चुअली क्या है कि इनके ऊपर ये टॉपिक है,
ये एक मिनट में कवर नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको भी छोड़ देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, देन आफ्टर यहां पर देखिए एक ऑप्शन होता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ओके, सपोज एबीसी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करती है, ओके और एबीसी कंपनी को ऐसा लगता है कि हम हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके भाप पे हम सेल या परचेज करते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस करते हैं, वो हमारा सपोज एक ही टैक्स रेट का है 12% का या 18% का। तो यहां पर देखिए सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करेंगे, इसका मतलब है कि हम कंपनी लेवल पे टैक्स सेट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या है कि मैं चाहता हूं कि एबीसी एंड कंपनी में जो भी मेरे प्रोडक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर मेरा एक ही रेट लगेगा, टैक्स रेट वो 18% है, तो मैं चाहूं तो यहां पर सेट कर सकता हूं। अभी देखिए यहां पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूं। ओके, देन आफ्टर एचएसएन एंड एसईसी। ओके, तो एचएसएन नंबर डालना होता है यहां पर। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार आपको ना ये चीजें यहां पर डिस्प्ले नहीं होता है, एचएसएन एसईसी वगैरह होगा, अगर आपको ये ऑप्शंस यहां पर इनेबल नहीं दिखाई दे उस केस में आपको यहां पर कॉन्फ़िगर में जाना है। ओके, कॉन्फ़िगर यानी कि F12 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे हम, एंड देन यहां पर देखिए ऑप्शन होता है क्या आपको डिस्प्ले कराना है, अलाउ एचएसएन एसईसी डिटेल्स, इसको यस कर लेना है आपको। देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन होता है सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इसको भी आप यस कर ले। इसमें और भी जो ऑप्शन है उनको आप यस करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कौन से कॉन्फ़िगरेशन किस काम के लिए है, एंड देन एंटर करेंगे। उसके बाद एचएसएन सपोज अभी मैं रैंडमली यहां पर 1234 ले लेता हूं। टैक्सिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट्स का, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं तो हमारा टैक्सीबल रहता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर टैक्सीबल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, कितने परसेंट पे ज्यादातर डील होती है हमारी, तो हमारी डील होती है ज्यादातर सपोज 18% के प्रोडक्ट पे 18% डालेंगे, ये सेंट्रल टैक्स एंड देन स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली यहां पर ये डिवाइड कर लेता है। ओके, एंड देन इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। देन आफ्टर हमारा ऑप्शन होता है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, यानी कि जब आप सेल या परचेज करें तो क्या क्लासिफिकेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए कि आप सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उन चीजों के लिए अभी जरूरत नहीं है, इसको हम नो रहने देंगे एंड देन एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कंपनी में क्या होता है जीएसटी इनेबल हो जाता है। फिर हम बैक आ जाते हैं उसी स्क्रीन में स्टेचरी एंड देन टैक्सेशन में, इसको भी हमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, या शॉर्टकट की कंट्रोल ए की मदद से भी हम पूरी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि किस प्रकार से कंपनी बनाई जाती है, देन आफ्टर किस तरीके से उसमें जीएसटी इनेबल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि जीएसटी रिलेटेड लेजर्स टैली में कैसे बनाए जाते हैं और उनके बिहाफ पर किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में।